नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलाखों के पीछे पहुंचे नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब ईडी ने शिकंजा कसते हुए नवाब मलिक के ठिकानों पर रेड डाली है, साथ ही कई बिल्डर्स को भी रडार पर लिया है जिनका नवाब से कनेक्शन बताया जा रहा है। ईडी की इस कार्रवाई से महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को जेल भेजने के बाद ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। एक बार फिर ईडी ने नवाब मलिक को ही रडार पर लिया है और उनके ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। ईडी की इस कार्रवाई से उद्धव सरकार में हड़कंप मच गया है। ईडी ने मुंबई के कुर्ला स्थित गोवा वाला बिल्डिंग कंपाउंड पर छापा मारा। सीआरपीएफ जवानों के साथ 5 से 6 अधिकारियों की टीम यहां पहुंची और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि इस दौरान ईडी के हाथ कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। जहां आज ईडी ने छापेमारी की है, ये वही प्रॉपर्टी है जिसके लेन देन में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक सलाखों के पीछे गए हैं। नवाब मलिक 4 अप्रैल तक हिरासत में हैं। नवाब मलिक को ईडी ने पिछले महीने ही गिरफ्तार किया था। नवाब मलिक के साथ साथ कई बिल्डरों पर भी शिकंजा कसा गया है। आयकर विभाग ने मुंबई सहित देश के कई अलग हिस्सों में छापेमारी की। हीरानंदानी ग्रुप के 24 ठिकानों पर छापे पड़े हैं। ग्रुप के डायरेक्टर्स के ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई है। फाइनेंशियल गड़बड़ी के आरोप में ये छापेमारी की जा रही है और यहाँ भी जांच टीम को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार नवाब मलिक को मंत्री पद से हटाने की मांग कर रही है। विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की और सरकार से मलिक को बर्खास्त करने की मांग की। बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र में बजट सत्र चल रहा है और बीजेपी लगातार सदन में भी नवाब मलिक के इस्तीफे का मुद्दा उठा रही है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो नवाब मलिक पर इस्तीफे का दबाव नहीं बनाएगी, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उनके विभाग का कार्यभार किसी और को सौंप दिया है, जो नवाब मलिक के लिए बड़ा झटका है और धीरे धीरे हो सकता है कि नवाब मलिक से विभाग भी छीन लिया जाए। ईडी ने मुंबई की उसी गोवा वाला बिल्डिंग कंपाउंड पर छापा मारा है जिसके लेन देन में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक जेल में है। यानी कि अब ईडी नवाब के खिलाफ सभी अहम सबूत इकट्ठा करने में जुट गई है, जिससे नवाब का सलाखों से बाहर आना मुश्किल हो सकता है और उद्धव सरकार भी कटघरे में आ सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।